हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 के ब्रिज कोर्स का सेतु अभ्यासक्रम में सब्जेक्ट हिंदी की टेस्ट नंबर 2। तो बिना वक्त जाए के सीधे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो मैं परिच्छेद यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि यमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। तो ये पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस पैराग्राफ पर पूछा गया, संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे सनसनी फैलने पर दिल्ली में आया परिवर्तन, तो दिल्ली में जो परिवर्तन है वो हमें यहाँ पे चार बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट बॉक्स में मैंने लिखा है नगरों में सभी बच्चे उठाए जाने की खबरें। सेकंड बॉक्स में बच्चों का गलियाँ तथा पार्क में खेलना कूदना बंद हो चुका था। थर्ड बॉक्स में स्कूल से बच्चों को बहुत सावधानी से लाया जाना। और फोर्थ है, एक दो बार पत्रों में यह छपाना कि यमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, लोगों ने इस पर संदेह जताया। तो इसका आंसर है अमरू। थर्ड, वातावरण में इसकी कमी न थी। तो इसका आंसर है सनसनी और तनाव। फोर्थ, फैलती सनसनी में मेरी भूमिका विषय पर अपना मत लिखिए। इसका उत्तर है सभी बच्चों के परिवार को उनके साथ रहने का संदेश दूंगा। स्वयं और अपने परिवार की देखभाल करें, पुलिस की गुनहगारों को पकड़ने में सहायता करें का प्रयास करूंगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर आया होगा उसमें से आप पैराग्राफ लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कृति पूर्ण कीजिए। कवि ये नहीं, तो यहाँ पे कवि क्या नहीं लेंगे और क्या नहीं मांगेंगे और क्या नहीं चाहेंगे और त्यागेंगे, इस सबका हमें आंसर लिखना है इस चार्ट में। तो पहले इसमें आएगा दया की भीख, कभी दया की भीख नहीं लेंगे। और दूसरे में आएगा वरदान, मतलब कभी वरदान नहीं मांगेंगे। तीसरे में आएगा चाहेंगे, तो कभी विश्व की संपत्ति चाहेंगे नहीं चाहेंगे और त्यागेंगे हृदय की वेदना। और अगला क्वेश्चन है, विरुद्धार्थी शब्द लिखो। तो पहला है हार, इसका आएगा जीत। और सेकंड है लघु, तो इसका विरुद्ध शब्द आएगा दीर्घ। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे है संघर्ष ही जिंदगी है, विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो मैं रीड करता हूँ। संघर्ष ही जीवन है, जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। इस सृष्टि में छोटे से छोटे प्राणी से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्षरत है। जिसने संघर्ष करना छोड़ दिया वह मृत्यु प्राय हो जाता है। जीवन में संघर्ष है प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ, परिस्थितियों के साथ। तरह तरह के संघर्ष का सामना आए दिन हम सबको करना पड़ता है और इनमें जूझना होता है। जो इन संघर्षों का सामना नहीं कर पाते वह जीवन से ही हार जाते हैं, जीवन भी उनका साथ छोड़ देता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पठित पद्यांश परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट, गृहस्वामी इसका हिसाब करता है, इसका आंसर है जूलिया की तनख्वाह का हिसाब। सेकंड, गवर्नेंस का काम, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वमत लिखो। यदि आपका मालिक आपके काम का सही वेतन न देता तो।
उत्तर, मैं उनका विरोध करूंगा और मेरे कार्य की हिसाब उसका हिसाब भी मांगूंगा। जब तक मुझे मेरे हक का, मेरे कार्य का वेतन नहीं मिल जाता, तब तक मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने के लिए हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।